हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन लीग के मैच के बारे में, जो गाइज खेला जाए यहाँ से सिडनी एफसी वुमेन और कैनबरा यूनाइटेड वुमेन के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में इन दोनों टीमों को रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए हैं। और गाइज बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइज वो कौन से प्लेयर जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन सिलेक्शन ही काफ़ी कम रहेगा और उन्हें आप अपनी समोर लीग टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो प्लेयर का रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन लीग के जो पॉइंट टेबल है उस पॉइंट टेबल पर इन दोनों टीमों की क्या रहती है पॉइंट अटेंडिंग। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से पॉइंट टेबल को। तो गाइज फिलहाल हम आ चुके हैं पॉइंट टेबल पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ से सिडनी एफसी जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें कैनबरा यूनाइटेड यहाँ से सेकंड पोजीशन पर फिलहाल। तो गाइज बात करें सिडनी एफसी ने चार मैच खेले हैं जिसमें से चार के चार मैच ने विन किए हैं और नौ गोल करे हैं और एक ही गोल कंसीड कर चुकी है। तो गाइज इसने चार मैच में नौ गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका टेकन प्रत्येक मैच में 2.2 गोल पर मैच स्कोर करने की एवरेज रखता है, जो कि दिखता है कि इसका टेक काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर बात करें इसने चार मैच में एक ही गोल कंसीड किया है, तो यहाँ से लगता है कि ये डिफेंसिव वाइज भी काफ़ी बेहतरीन टीम है, तो जल्दी से गोल कंसीड नहीं कंसीड करने नहीं देती, एक ही गोल कंसीड किया चार मैच में। वहीं पर बात करते हैं जो सेकंड टीम है यहाँ से कैनबरा यूनाइटेड। तो कैनबरा यूनाइटेड ने पांच मैच खेले हैं जिसमें से तीन मैच विन किए हैं, दो मैच खेले इसने ड्रॉ और 11 गोल करे हैं और 6 गोल किए हैं इसने कंसीड। पांच मैच में 11 गोल स्कोर करना मानता है जो इसका अटैक है ना, प्रत्येक मैच में ये भी 2.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है, लेकिन इसने पांच मैच में 6 गोल कंसीड किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। तो अटैक में तो काफ़ी बेहतरीन, लेकिन डिफेंस कहीं ना कहीं एक गोल कंसीड करना शुरू कर देता है। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से इस मैच में हमारे लिए कौन सी टीम फेवरेट होने वाली इस मैच में। तो गाइज बात करें जो सिडनी एफसी है वो इस मैच को अपने होम ग्राउंड में खेलने वाले, तो इसमें मतलब होम ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस रहता है इसका देख लेते हैं एक बार यहाँ से। तो गाइज सिडनी एफसी ने दो मैच खेले अपने होम ग्राउंड में जिसमें से दो के दो मैच विन किए हैं और चार गोल करे हैं, मतलब डबल गोल कर देती है अपने होम ग्राउंड में और कोई गोल कंसीड नहीं किया। तो अटैकिंग वाइज काफ़ी बेहतरीन खेलती ही है, प्लस में गोल कंसीड भी नहीं करने देती, डिफेंस इसका और भी मजबूत हो जाता है अपने होम ग्राउंड में। तो गाइज अब बात करें यहाँ से अवे टीम यहाँ से कैनबरा। तो कैनबरा ने अपने अवे में एक मैच खेला है और इसको ड्रॉ खेला है इसने और एक गोल करा है और एक ही गोल कंसीड किया है, तो दिखता है जो इसका अवे फॉर्म कितना मतलब बोस्ट है, मतलब वही हिसाब से गोल कंसीड कर ना ही गोल करता है और ना ही गोल कंसीड होने देता, मतलब कंसीड करता है ज़्यादातर। वहीं पर बात करते हैं अब इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, जब ये दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो इन दोनों टीमों का क्या रहता है हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो गाइज इन दोनों टीमों ने अभी तक पांच हेड टू हेड मैच खेले हैं और तीन मैच सिडनी एफसी ने विन किए हैं जिसमें से दो मैच यहाँ से विन किए हैं कैनबरा यूनाइटेड ने। तीन गोल पर मैच स्कोर किया है यहाँ से सिडनी एफसी ने, 1.2 गोल पर मैच कंसीड किया, तो दिखता है जब कैनबरा अटैक मतलब कैनबरा यूनाइटेड इसका अगेंस्ट में खेलती है तो इसका जो अटैक है ना तीन गुना बढ़ जाता है। वहीं पर बात करें जो डिफेंस से गोल कंसीड करना शुरू कर देता है। तो गाइज अब बात करें जो सिडनी एफसी पिछला मैच अपना ये इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था यहाँ 4-0 से विन कर गई थी कैनबरा यूनाइटेड से, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से कैनबरा यूनाइटेड 2-0 से विन, फिर यहाँ से सिडनी एफसी 3-0 से विन, फिर यहाँ से 3-2 से विन मतलब लॉस कर गई थी सिडनी एफसी, और उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 6-1 से कैनबरा यूनाइटेड लॉस कर गई थी। तो गाइज यहाँ से तीन मैच तो किसने विन किए हैं सिडनी एफसी ने और दो मैच किए यहाँ से कैनबरा यूनाइटेड ने, तो इसलिए हम फेवरेट मानने वाले हैं इस मैच में सिडनी एफसी को। तो गाइज अब बात करते हैं जो सिडनी एफसी का जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो सिडनी एफसी ने पिछले छः मैच में से पाँच मैच ने विन किए हैं और एक मैच किया लॉस, और 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया है लेकिन 0.3 गोल पर मैच कंसीड किया है, अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है फिलहाल। वहीं पर बात करें जो पिछला मैच अपना सिडनी एफसी मेलबर्न सिटी से खेल कर आ रही 2-0 से विन कर का रही, उससे पिछले मुकाबले सिडनी एफसी से मतलब न्यूकास्टल से विन कर का रही थी, उससे पिछले मुकाबले यहाँ से वेस्टर्न वोल्स वंडर्स ने विन किया, फिर बाकी इसने सभी पाँच के पाँच मैच विन किया और एक मैच किया इसने लॉस मेलबर्न सिटी के अगेंस्ट में, लेकिन वो भी पिछले ईयर में मार्च के मंथ में। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से जो कैनबरा यूनाइटेड जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। कैनबरा यूनाइटेड ने पिछले छः मैच में से तीन मैच किए विन, दो मैच खेले ड्रॉ, एक मैच किया इसने भी लॉस, 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया है और 1.8 गोल पर मैच कंसीड किया। यहाँ से तो ये दिखता है ना कि इसका गोल तो कर ही देती लेकिन गोल कंसीड करने का हाई चांस रखती है, तो 1.8 का मतलब मान सकते हो दो गोल पर मैच स्कोर कंसीड करना, तो अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज गोल करती भी है और गोल कंसीड भी हो जाते हैं इस टीम की तरफ से। तो गाइज बात करें पिछला मैच अपना कैनबरा यूनाइटेड
3-0 से विन करके आ रही, उससे पिछले मुकाबला 1-1 से ड्रॉ, उससे पिछले मुकाबला 1-1 से फिर ड्रॉ, फिर उससे पिछले मुकाबला यहाँ से 2-1 से विन, फिर 4-3 से विन, फिर यहाँ से 5-0 से लॉस हुआ था। तो गाइज कैनबरा यूनाइटेड का कुछ इस तरह रिसेंट फॉर्म, तो दोनों टीम काफ़ी बेहतरीन है यहाँ से फिलहाल। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से इन दोनों टीमों को प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से सिडनी एफसी के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइज बात करेंगे यहाँ से कैनबरा यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं कितना असिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से सिडनी एफसी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज सिडनी एफसी वुमेन टीम तरफ हाईएस्ट गोल यहाँ से प्रिंसेस इबनी ईसे ने 2 गोल किए हैं, और यहाँ से रेमी सिमसेन ने 2 गोल किए हैं, और यहाँ से कोर्टनी विन है जिसने 2 गोल किए हैं, बाकी सभी ने एक एक गोल किया। आप स्क्रीन शॉट ले लेना। और यहाँ से इस टीम तरफ से पेनल्टी यहाँ से मैकेंजी ने लेने वाली है जिसने 1 गोल पेनल्टी में भी किया हुआ है। तो गाइज अब बात करते हैं इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइज सिडनी एफसी टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट कोर्टनी विन है जिसने 3 असिस्ट किए, और यहाँ से टेरेसा पोलियस है जिसने 2 असिस्ट किए, और यहाँ सिमसेन ने बाकी सभी ने 1 असिस्ट किया। आप स्क्रीन शॉट ले लेना, खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से जो कैनबरा यूनाइटेड की टीम है उसके प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ से। तो गाइज कैनबरा यूनाइटेड टीम तरफ से हाईएस्ट गोल यहाँ से माइकल हाईमैन ने किए हैं जिसने 6 गोल कर चुकी है, अकेली प्लेयर ने 6 गोल किए हैं, और यहाँ से लॉरा हुजेस है जिसने 1 गोल किया है, और बाकी यहाँ से ग्रेस मेहर ने 1 गोल किया, और बाकी 2 प्लेयर्स ने 1 गोल किया। आप स्क्रीन शॉट ले लें, खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो गाइज जो यहाँ से माइकल हाईमैन है ये अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा शॉट ले चुकी है, 23 शॉट लिए हैं इसने जिसमें से 6 गोल किए हैं। आप मान सकते हो ये काफ़ी अटैकिंग मतलब प्लेयर है, तो इसे आप टीम में पिक करके चलना ही चलना चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज अब बात करें इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में देख लेते हैं। तो गाइज इस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट लॉरा हुजेस है जिसने 2 असिस्ट किए हैं, और यहाँ से ग्रेस मेहर है जिसने 1 असिस्ट किया, बाकी सभी ने 1 असिस्ट किया। आप खुद स्क्रीन शॉट ले लें, खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी इस मैच में। तो गाइज अब बात करते हैं क्या हमारी प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच में जो ड्रीम इलेवन की टीम रहेगी क्या रहेगी उसके बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारी प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच में ड्रीम इलेवन की टीम, मेरी प्रेडिक्शन यहाँ से 2 गोल सिडनी एफसी और 1 गोल तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिडनी एफसी यहाँ से 1 गोल कंसीड कर देगी अपने होम ग्राउंड में। तो 2-1 बैक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीम बनाएंगे इस मैच में। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले जो एली का नेक्स्ट मैच है ना उसकी भी यूट्यूब मतलब उसकी भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो अब देखते हैं यहाँ से हमारी क्या रहेगी इस मैच में जो समौली की टीम रहेगी उसके बारे में। तो गाइस फिलहाल के लिए मेरी टीम ये होने वाली है जिसमें कैप्टन बनाए यहाँ से आर सिमसेन को, और वाइस कैप्टन बनाए कोर्टी विनय को, क्योंकि ये अपनी टीम तरह से हाईएस्ट गोल टेकर प्लेयर असिस्ट टेकर। एक चीज़ और, माइकल हाईमैन को आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये सेफ भी रहेगा, पता नहीं सेफ है कि नहीं सिलेक्शन कितना है, लेकिन एक हाईएस्ट गोल टेकर अपनी टीम तरफ से, इन दोनों टीमों की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर 6 गोल कर चुकी है, तो इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में बनाना कि लगे कि हाँ यहाँ से सिडनी एफसी इसको 1 गोल कंसीड करने देगी, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, मतलब काफ़ी अच्छी हो सकती है इस मैच में। और गोल कीपर मैंने यहाँ से इसलिए जे वाई मैन को बनाया क्यों मतलब रखा है, क्योंकि जो यहाँ से कैनबरा यूनाइटेड है वो काफ़ी अटैकिंग टीम है, तो गोल करने का हाई चांस रहेंगे यहाँ से सेव मतलब यही सेव करेगी। और आप मान किसी गोलकीपर और को पिक कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ से फिलहाल की इसको पिक किया, और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, और टेलीग्राम चैनल लिंक इस तरह है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप क्रिकेट पोर्ट सर्च कर सकते हो अपन टेलीग्राम चैनल पर। तो गाइस बात करें यहाँ से जो और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ से एन फला नेहरी को आप पिक कर सकते हो, लेकिन कब ये इन तीन प्लेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते, और ये भी अपनी टीम तरफ से सेकंड हाईएस्ट शॉट टेकर है, तो इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन क्या करें इन दोनों में से कुछ छोड़ ही नहीं जाएगी, और मतलब अगर किसी को छोड़ देंगे ना तो पोजीशन के अनुसार छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम पिक करके चले हैं पी इबनी ईसे जो कि 2 गोल कर चुका है और प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो इसे आप पिक करके चल सकते हो। सी वेलर आपके लिए पासिंग को पॉइंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता गोल असिस्ट कर सके, लेकिन गाइस बात करें यहाँ से और किसी का इतना है नहीं। लॉरा हुजेस को पिक किया और यहाँ ग्रेस मेहर को पिक किया, और टी पोलियस ये ना आपके लिए असिस्ट कर सकती है, लेकिन हाई चांस रखते इंटरसेप्शन और टैकल और क्लियर मतलब की पासिस का पॉइंट दे सकती है, मतलब मुझे नहीं लगता है ये कोई आपके लिए वो रखेगी शॉट आउट ऐसा नहीं। और बात करें यहाँ से हम टॉबिन को पिक किया है, अली जोस्की को पिक किया और ई ब्रश को पिक किया और एक ग्रीन को पिक किया, फिलहाल के गोलकीपर में इसको पिक किया। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है।
नहीं तो टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना क्रिकेट पोर्ट, जिस तरह क्रिकेट पोर्ट लिखोगे उस तरह लोगों को दिखाई देगा हमारे चैनल का, जिस तरह यूट्यूब चैनल का। और कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे कंप्लीट आपको प्लेयर के पोजीशन देखने के बाद कंफर्म बोल दूंगा कि यहां से ये कैप्टन होने, ये माइकल हाइमन रखना है उसके अनुसार। तो फिलहाल के लिए ये है, और इस टीम में कोई चेंजिंग होगी तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।